हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक डायपर बैग में क्या क्या होना चाहिए या ट्रेवल करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत बेबी के लिए पड़ सकती है। मैंने ये डायपर बैग अमेजोन से खरीदा है। इसका रिव्यू का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज चेक करें। डायपर बैग में क्या क्या होना चाहिए इसको मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिससे कि हम बेबी का कोई भी जो ज़रूरी सामान है वो भूल ना जाएं। सबसे पहला सेक्शन मैंने रखा है बेबी फूड, यानी बेबी के फूड से रिलेटेड जो भी हमें सामान लगता है वो हम इस सेक्शन में रखेंगे। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है तो आपको कम से कम 2 मिल्क की बॉटल रखनी चाहिए अपने डायपर बैग में। साथ ही साथ में आपको मिल्क पाउडर का डिब्बा रखना चाहिए, या अगर आप कुछ घंटों के लिए ही जा रहे हैं तो आप छोटे से एयरटाइट कंटेनर में भी इस मिल्क पाउडर को रख सकते हैं। पूरा डिब्बा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक थर्मो स्टील की बॉटल रखनी चाहिए जिसमें कि पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आपका बेबी सेरेलैक्स वगैरह खाता है तो कटोरी चम्मच भी साथ में रखना चाहिए। ये फूड निबलर भी मैं ज़रूर रखती हूँ जिससे कि बच्चों को फ्रूट्स वगैरह मैं खिला सकती हूँ। आप इस तरह का एक टिफ़िन बॉक्स भी रख सकते हैं जिसमें कि कंपार्टमेंट होते हैं, 3-4 तरह का इसमें खाना आप भर के ले जा सकते हैं। और अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, केवल मिल्क पीता है, तो आपको ये सब चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मिल्क का सामान ही ले जाएं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपका बेबी जो भी चीज़ खाता है या पीता है वही आप ले जाएँ। दूसरा सेक्शन मैंने क्लीनअप का रखा है जिसमें कि हम लोग बेबी क्लीनिंग से रिलेटेड सारा सामान रखेंगे। बेबी अगर छोटा है तो कभी भी आपको डायपर चेंज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें अच्छे क्वालिटी के कुछ डायपर्स ज़रूर कैरी करके ले जाने चाहिए डायपर बैग में। एक वेट वाइप्स का पैक भी रख लें, अगर आप चाहें तो छोटा वाला पैक भी रख सकते हैं। साथ ही साथ में एक ये जो क्लीनिंग ड्राई शीट आती है उसको भी रख लें, जिससे कि आप कहीं पर भी अपने बेबी को चेंज करा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप कोई ऑइंटमेंट पाउडर या तेल जो भी अपने बेबी को लगाते हैं डायपर बदलते समय वो रख लें, एक थोड़ी क्वान्टिटी में, बहुत बड़ा डिब्बा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कम से कम 2 जोड़ी कपड़े आपको डायपर बैग में ज़रूर रखना चाहिए। इस तरह के रोम्पर्स आप रख लें तो ज़्यादा कपड़े भी ले जाने नहीं पड़ेंगे और आप अपने बेबी को कवर भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुछ हैंकीज़ और कुछ बिब्स भी ज़रूर रख लें, क्योंकि कभी भी आपका बच्चा दूध उलट सकता है, कभी भी उसको उल्टी हो सकती है, कभी भी बच्चे अपने कपड़े को ख़राब कर सकते हैं अगर छोटे हैं तो। कभी भी आपको उनके कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये कम से कम 2 जोड़ी कपड़े रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ में हैंड सैनिटाइज़र और हैंड सोप ज़रूर रख लें अपने हाथ को क्लीन करने के लिए, और कुछ जो ड्राई टिश्यू पेपर होते हैं उनको भी ज़रूर कैरी कर लें। अगर आप पूरा डिब्बा नहीं ले जाना चाहते हैं तो कुछ टिश्यू पेपर्स को फोल्ड करके किसी पॉली बैग में रख लें। यूज्ड डायपर को फेंकने के लिए कुछ पॉली बैग्स ज़रूर रख लें, जो आपके घर में हैं आप वो भी रख सकते हैं, या इसके लिए एक अलग से पॉली बैग्स कुछ आते हैं डिस्पोजेबल वाले, वो भी आप रख सकते हैं, या जो भी आपके घर में जो पॉली बैग्स होते हैं उनको ज़रूर रख लें, कि जब यूज्ड आपको डायपर फेंकना है तो उसको आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते, उसके लिए आपके पास कोई पॉली बैग वगैरह होना चाहिए जिसमें कि रख करके ही आपको फेंकना है ये डायपर्स को। साथ ही साथ में एक पतला ब्लैंकेट और जो पिलो होती है बेबी की वो भी ज़रूर रख लें, क्योंकि आप अगर ट्रेन में प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा इसी में जाड़ा भी लग सकता है, तो आप इससे अपने बच्चे को कवर कर सकते हैं। मैंने जो थर्ड सेक्शन है वो जनरल मेडिसिन का रखा है, इसमें जो बच्चे की ज़रूरी मेडिसिन है वो रखें, साथ ही साथ में कुछ जनरल मेडिसिन्स भी रख लें, जैसे कि कॉलिकेड है, नेज़ल क्लियर है और बेबी रब है, क्रोसिन है, जिससे कि कभी भी बच्चे को ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या हल्का सा बुखार जुकाम हो सकता है, तो आपको ये जो जनरल मेडिसिन है वो भी ज़रूर कैरी करके ले जाना चाहिए, कि अगर उस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इस मेडिसिन को दे दें अपने बच्चे को, जिससे कि बच्चे को तुरंत रिलीफ थोड़ा मिल जाएगा, बाद में आप डॉक्टर को दिखा दें। बट कोई भी मेडिसिन देने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर
राय ले लें। मैंने चौथा सेक्शन बेबी इंटरटेनमेंट का रखा है, ये भी एक बहुत ही जरूरी सेक्शन है। इस सेक्शन में आप कुछ बच्चों के जो टॉयज होते हैं, जो बच्चों के फेवरेट टॉयज हैं, जो छोटे साइज में हैं, उनको ज़रूर कैरी करके ले जाएं, और साथ ही साथ में बच्चों का टीथर और पैसिफायर या चुस्नी भी ज़रूर रख लें अगर बच्चे लेते हैं तो। जो भी बच्चों को ये पसंद है, बच्चों को इंगेज रखने के लिए, बच्चों को हैप्पी रखने के लिए ये सामान भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इस सामान को भी अपने डायपर बैग में ज़रूर ही कैरी करें। मैं इस तरह का ट्रेवल पाउच इन सब चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे कि क्या है कि डायपर बैग में सामान भी बहुत ज़्यादा मैं ले जा सकती हूँ, साथ ही साथ में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो एक पाउच निकाला और सारा सामान ज़रूरत का मिल जाता है, मुझे पूरा बैग को खोजना नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने मेडिसिन भी एक अलग पाउच में रखी थी, और इसी तरह से मैं जैसे बच्चों के खिलौने हैं या बच्चों की ग्रूमिंग किट का सामान है वो भी एक अलग पाउच में रखती हूँ, जिसे जब भी मुझे चाहिए तो मैं केवल वो पाउच निकालती हूँ और मुझे सामान बहुत ही इजीली मिल जाता है। सेक्शन 5 में मैंने बेबी ग्रूमिंग या बेबी को नहलाने का सामान रखा है। अगर आप सेम डे या कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं तो ये सेक्शन का सामान ले जाना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप कुछ दिन के लिए या दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तब आपको ये सेक्शन का सामान भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेबी को नहलाना भी है तो ये सामान की ज़रूरत भी पड़ेगी ज़रूर आपको। इस सेक्शन में हम जैसे बेबी का जो तेल मालिश के लिए हम लोग जो तेल यूज़ करते हैं, बेबी सोप हो गया, बेबी शैम्पू है, बेबी मॉइस्चराइज़र है, एक कोम्ब है बेबी का, और नेल कटर, ये बहुत ही ज़रूरी सामान है जिसको कि मैंने इसमें रखा है। इसके बिना बेबी को नहलाया नहीं जा सकता है। बेबी को नहलाते समय इस सामान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए मैंने इस सामान को इसमें रखा है। जब भी आप डायपर बैग में ले जाने के लिए ये सामान खरीदें, आप इन सामानों के छोटा पैक को ही डायपर बैग में ले जाएं, बड़े बड़े डिब्बे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हर सामान की आजकल ट्रेवल किट मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि छोटे पैक में सामान अवेलेबल है, तो आप वही खरीदें और उसी को डायपर बैग में ले जाएं, तो आप सारा सामान भी ले जा पाएंगे अपने डायपर बैग में और आपको इतना भार भी उठाना नहीं पड़ेगा। आखिरी सेक्शन मैंने मम्मा एसेंशियल किट का रखा है। इस सेक्शन के अंदर मैं अपना ज़रूरत का सामान डायपर बैग में रखती हूँ, क्योंकि आप जब बेबी को बाहर ले जाते हैं तो बेबी को संभालना, डायपर बैग को कैरी करना, और साथ ही साथ में अगर आप एक अपना अलग से हैंड बैग भी कैरी करते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी चीज़ों को मैनेज करना, इसलिए मैं अपना बहुत ही जो ज़रूरी सामान है वो डायपर बैग में ही रखना प्रेफर करती हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटा सा पाउच बना लिया है, उसमें मैं अपना जो ज़रूरी मेकअप का सामान है जैसे कि लिप बाम, कुछ सेफ्टी पिंस, एक छोटी सी मेकअप किट, मॉइस्चराइज़र, ये मेरा हो गया जो मेरे मेकअप का सामान है, साथ ही साथ में मैं ईयरफोन, आईडी प्रूफ और कुछ पैसे ये इस पाउच में रखती हूँ, जिससे कि मुझे जो हैंडबैग में जो ये बहुत ही ज़रूरी सामान है वो इसमें आ गया है, इसके बिना काम नहीं चलता है मेरा, वही सामान मैं इस पाउच में रखती हूँ बस, और एक मोबाइल है मेरा, ये दोनों चीज़ मैं डायपर बैग में ही रखती हूँ। तो चलिए अब हम लोग सारा सामान एक बार रख कर इस डायपर बैग में देख लेते हैं। इस तरह से सेक्शन वाइज अगर आप सामान रखेंगे तो आप अपने बेबी का कोई भी सामान भूलेंगे नहीं और ट्रेवल करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लीजिए, मेरा डायपर बैग बिल्कुल तैयार है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।